नाजरीन, बॉलीवुड और खूबसूरती दोनों का चोली दामन का साथ है, फिर भला ये कैसे मुमकिन है कि मिस वर्ल्ड का टाइटल जीतने वाली लड़की इंडिया से हो और उसे इंडियन फिल्म में काम करने की ऑफर ना हो। इसलिए ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, प्रियंका चोपड़ा, लारा दत्ता, यक्ता मुखी, डाइना हिडन सब ने बॉलीवुड में काम किया और अब मानोशी छिल्लर बहुत जल्द बॉलीवुड की फिल्म में अपने हुस्न के जलवे दिखाने वाली हैं। इन हसीनाओं में अदाकारी के हवाले से प्रियंका चोपड़ा सरे फहरिस्त हैं, जिनकी ये खुशकिस्मती रही है कि उन्हें मुख्तलिफ किरदारों में आजमाया गया और वो हर आजमाइश पर पूरी भी उतरी। जैसे अगर फिल्म फैशन में ग्लैमर से भरपूर किरदार खूबसूरती से अदा किया तो फिल्म बर्फी में एबनॉर्मल लड़की का किरदार उसकी असल हकीकत के साथ परफॉर्म किया। फिर फिल्म मैरी कॉम में प्रियंका को देखकर कहीं ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने फिल्म के लिए काम किया, बल्कि ऐसा महसूस होता है जैसे वो वाकई एथलीट हैं और इतनी सख्त तरीन ट्रेनिंग अपने मुकाबिल आने वाले को मात देने के लिए कर रही हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। फिल्म मैरी कॉम में तो खैर वो छाई रही, लेकिन फिल्म बाजीराव मस्तानी में जब उन्हें छोटा रोल दिया गया तो उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से इस रोल को भी बड़ा कर दिया, जिसकी तारीफ में बिग बी ने उन्हें खुद चिट्ठी भी लिखी, जो प्रियंका के एक बड़ी अदाकारा होने की सबसे बड़ी सनद है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की हसीन तरीन अदाकारा ऐश्वर्या राय को जब शायकीन फिल्मों में देखते हैं तो इनके चेहरे से नज़रें हटाना ही भूल जाते हैं। इनके चेहरे से नज़रें हटें तो देखने वालों का ध्यान उनकी अदाकारी की तरफ भी जाए। शायद इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हमेशा ऐश्वर्या राय की खूबसूरती को ही खूबसूरती के साथ पर्दा स्क्रीन पर पेश करने पर जोर दिया गया, चाहे वो फिल्म हम दिल दे चुके सनम हो या फिर देवदास, वो हर फिल्म में इंतहाई हसीन लगी। फिल्म धूम 2 में तो उनका बिल्कुल नया लुक इंतहाई कातलाना था, जिसे बेहद पसंद किया गया। सुष्मिता सेन भले अदाकारी के हवाले से कोई बड़ा मार्का सर ना कर सकी, लेकिन उन पर पिक्चराइज किए हुए आइटम सॉन्ग्स ने उन्हें इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में हमेशा हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। संजय कपूर के साथ आइटम सॉन्ग दिलबर दिलबर पर सुष्मिता के डांस ने तो पर्दा स्क्रीन पर आग लगा दी। फिर मस्त माहौल में जीने दे वाले डांस नंबर में तो सुष्मिता ने माहौल मस्त कर दिया। इनके अलावा शाहरुख खान के साथ फिल्म मैं हूं ना के गाने भी बेहद पसंद किए गए। इन हसीनाओं के अलावा लारा दत्ता, यक्ता मुखी, डाइना हिडन ने भी इंडियन फिल्मों में काम किया, लेकिन नुमाया कामयाबियां हासिल ना कर सकी। अब उम्मीद की जा रही है कि मानोशी छिल्लर अपनी मुनफरिद खूबसूरती के बायस इंडस्ट्री में एक अलग मुकाम बनाने में कामयाब हो जाएंगी।